जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं नर्रान। नर्रान के पीछे ये आप झील है, इसके नज़ारे चेक कर सकती हैं चश्मे के। ये अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये आपको चश्मा चेक करवाते हैं, इसके नज़ारे चेक कराते हैं। पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये नीचे झील बनी हुई है, ऊपर चश्मे का पानी जो नीचे झील में जा रहा है, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह व्यू चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ये कंटीन भी साथ बनी हुई है, पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है ऊपर से, और ऊपर बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं। ये मेरा कज़न है, और हम आपको ऊपर जाके चेक करवाते हैं, ऊपर के नज़ारे चेक करवाते हैं। ये देखें, ये लोगों के लिए बैठने की जगह बनी हुई है। इधर ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और चाय का भी इंतज़ाम किया है। ये आप देख सकते हैं कि साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी है, चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सर्दी बढ़ती जाएगी। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जारी बात है, ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी अल्लाह पाक की कुदरत है कि सर्दियों में पहाड़ों में बर्फ़ जम जाती है, और गर्मियों में आस्ता आस्ता पिघल के ठंडा पानी चश्मों की तरफ जाता है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पहाड़ आप चेक कर सकते हैं, ऊपर से पानी ही आ रहा है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ पानी के बने हुए हैं। ये कज़न मेरा आपको बता रहा है, अपडेट कर रहा था कि हम ऊपर जा रहे हैं। ये अब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, पानी चेक कर सकते हैं कि पानी कितना साफ़ है। और ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं। ये बर्फ़ आस्ता आस्ता पिघल रही है, पिघल के नीचे पानी की तरफ जा रही है, और ये चश्मे बाद में नदी नालों की तरफ चले जाते हैं पानी। ये आप देख सकते हैं कि हम ये सामने बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर आ गए। ये सारा बर्फ़ का पहाड़ है, ये नीचे देखे हम कम से कम 200 से 300 फुट ऊपर आ गए हैं। ये कज़न है मेरा, ये आपको अपडेट कर रहा था कि मुझे ये कह रहा था कि हम नीचे जाएं। ये देख लें आप नाज़रीन, ये व्यू माशाल्लाह चेक करें। ये नाज़रीन बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं, ये जो सामने है ये बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं, ये सारी बर्फ़ है। ऊपर से पानी चेक करें कैसे आ रहा है, ऊपर जानवर भी चल रहे हैं, बकरी ऊपर चल रही है पहाड़ों के ऊपर, और बर्फ़ वाले के ऊपर ये है जो बकरी खड़ी खड़ी